सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। हर किसी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो पहले इसका सही उपयोग कीजिए। सत्य की इच्छा होती है कि सभी उसे जान ले और असत्य को हमेशा भय रहता है कि कोई उसे पहचान ना ले। बात में वजन पैदा करने के लिए आवाज का ऊंचा होना जरूरी नहीं बल्कि बात का सच्चा होना जरूरी है। आज का पंचांग 19 जनवरी 2024 दिन शुक्रवार, पौष मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि शाम 7:52 तक रहेगी। इसके उपरांत 10वीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। भरणी नामक नक्षत्र सुबह 2:50 तक रहेगी। इसके उपरांत कृतिका नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:15 से 12:58 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:11 से 11:45 तक रहेगा। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:36 से 6:25 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगे। मिथुन राशि 19 जनवरी 2024 दिन शुक्रवार, आपको कुछ घटनाओं की तह तक जाना पड़ेगा। वर्तमान की कुछ घटनाओं के लिए वही पुराने कारण जिम्मेदार हैं। इससे आपकी इज्जत को काफी ठेस पहुंची है। आपको काफी आरक्षित और सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि कुछ लोग आपके रास्ते में बाधा बनने की कोशिश कर रहे हैं। व्यक्तिगत तथा बाहरी गतिविधियों के बीच सामंजस्य बना रहेगा। किसी विशेष कार्य के प्रति आपकी मेहनत कामयाब होगी। सुकून पाने के लिए आध्यात्मिक गतिविधियों में कुछ समय जरूर व्यतीत करें। धार्मिक आयोजन संबंधित भी विचार विमर्श होगा। किसी काम में गहराई से विचार करने से परिस्थिति समक्ष आएगी। आपको हर एक बात में समर्पण बनाए रखने की आवश्यकता है। अपनी काबिलियत पर भी ध्यान दें और अपने लिए सकारात्मकता बनाए रखें। काम से जुड़े दस्तावेज ध्यान पूर्वक पढ़ें। महत्वपूर्ण चीज खोने की संभावना बन रही है, सतर्कता रखनी होगी। करियर संबंधित निर्णय में बदलाव करना फिलहाल संभव नहीं है। जो आपने निर्णय पहले तय किया है उस पर ही टिके रहने की कोशिश करें। पार्टनर के कारण परिवार में विवाद होने की संभावना भी बन रही है। आपका ध्यान एक कला विज्ञान या औद्योगिकी क्षेत्र में भी हो सकता है जिसे आप नए विचार और कौशलों को सीख सकती हैं। इस समय में आपके सीखने की ऊर्जा और उत्साह को बनाए रखने के लिए सही दिशा में काम करें। आपका दृष्टिकोण पॉजिटिव है और आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में बढ़ने में सक्षम हैं। चंद्रमा के साथ होने से आपका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आप पढ़ाई में ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। आपको यह याद रखना चाहिए कि आपके स्वास्थ्य में अध्ययन मेहनत और सही मार्गदर्शन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपका उच्च उत्साह और प्रतिष्ठा आपको आगे बढ़ने में सहारा देगा। आपके अच्छे अंकों की प्राप्ति के लिए आपको धैर्य समर्पण और परिश्रम के साथ काम करना होगा। सावधानियां, लापरवाही की वजह से कुछ व्यवधान आ सकते हैं। व्यर्थ की गतिविधियों में अपना समय नष्ट ना करें, इससे आपकी कार्य क्षमता प्रभावित होगी। जमीन जायदाद संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आज ना लें क्योंकि इन कार्यों के लिए अभी ग्रह स्थिति अनुकूल नहीं है। बात करते हैं लव लाइफ की। आपका साथी कुछ ऐसा कर सकता है जिससे आपकी आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आप एक साथ खुशी बांटकर इस एहसान को वापस कर सकती हैं। आप अपने प्यार के साथ एक खुशनुमा समय व्यतीत कर सकती हैं। आप एक साथ बाहर भोजन कर सकती हैं। अपने साथी को अपने परिवार के साथ मिलाएं। आपको ये याद रखना है कि धीमा और स्थिर ही अंत में दौड़ को जीतता है। कदम उठाने से पहले अपने परिवार की भाव गंभीरता को पहचानें। बात करते हैं करियर की। आप कार्यस्थल पर कई अलग तरह की स्थितियां आपके समक्ष आएगी और आप इसके लिए बाध्य होंगे कि आप स्थितियों के अनुसार सही निर्णय लेकर आगे बढ़ें। आज आपके काम की नैतिकता के लिए अतिरिक्त ध्यान देने की जरूरत है। अपने सहकर्मियों के साथ ना चलने के कारण कुछ तनाव की स्थितियां सामने आ सकती है, लेकिन अपने मालिक की नजरों में आप आएंगे और उनका भरोसा भी जीतेंगे।
और इस चीज के कारण आपके करियर पर इसका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। बात करती हैं सेहत की। आपको अपने और दूसरों के मामलों में धीरज रखना सीखना होगा। आपके सामने ऐसी बहुत सारी स्थितियां आएंगी जिनसे आपको कोई फायदा नहीं हुआ होगा, और इन स्थितियों में अपने आप को संभालने के लिए आपको सही वक्त और सही चीजें होने का इंतजार करना सीखना होगा। सुबह की सैर करें और अगर संभव हो तो घास पर नंगे पैर चलें। आज का उपाय, आज अब गरीबों को चावल या गेहूं के आटे का दान करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।